इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स लिबरलाइजेशन के अंडर हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने तीन डिस्कस कर लिए थे। नंबर वन वाज डी लाइसेंसिंग, सेकंड वाज कंट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, एंड थर्ड वाज फ्रीडम फ्रॉम एमआरटीपी एक्ट। ये कर लिया था हमने डिस्कस, फ्रीडम फ्रॉम एमआरटीपी एक्ट वी वर डिस्कसिंग, फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स वी हैड डिस्कस। सो स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रीडम फ्रॉम एमआरटीपी एक्ट 1969 में हमारी गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया, एमआरटीपी एक्ट। क्यों बनाया गया? क्योंकि उस टाइम पे ऐसा हुआ, हमारे कुछ बिग बिजनेस इंडस्ट्रियल हाउसेस थे, दे वर हैविंग मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज, उनकी मोनोपोली होती जा रही थी। तो जहां पर बेटे मोनोपोली होती है, वहां पर कंज्यूमर एक्सप्लॉयट होता है। तो हम ये वाली मोनोपोलिस्टिक एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते थे, तो इसीलिए एमआरटीपी एक्ट बनाया गया। एमआरटीपी एक्ट की एक प्रोविजन ये थी कि ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें 100 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, वी आर टॉकिंग अबाउट 1969, आज 100 करोड़ कुछ नहीं होता, उस टाइम पे 100 करोड़ में काफी ज्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट हो जाती थी। तो 100 करोड़ से ज्यादा अगर किसी भी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, उसको डोमिनेंट अंडरटेकिंग कहा जाता था। और ये अंडरटेकिंग को अगर अपनी प्रोडक्शन एक्सपैंड करनी है, ठीक है, डाइवर्सिफाई करनी है, तो उसके लिए उसको गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत पड़ती थी। अब क्या हुआ, जब हमने ये रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए तो हमें लगा ये एक्ट अब रेलिवेंट नहीं है, तो हमने इस एक्ट को रिप्लेस कर दिया एक नए एक्ट से, विच इज नोन एज कॉम्पिटिशन एक्ट। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2002। नाउ दिस एक्ट इज मोर लिबरल, ठीक है। सो इन प्लेस ऑफ एमआरटीपी कमीशन, नाउ देयर इज कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। पहले एमआरटीपी कमीशन बैठी हुई थी, एमआरटीपी कमीशन ये डिसाइड करती थी कौन सी फॉर्म को अब प्रोडक्शन एक्सपैंड करने के लिए लाइसेंस देना है, डाइवर्सिफाई करने के लिए देना है, किसकी एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट करना है, एंड सो ऑन। नाउ इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। लिख लो बेटे, कई चीजें बुक्स में, सब बुक्स में नहीं होती हैं, लेकिन इंडियन इकोनॉमी है तो हम क्वेश्चन मार्क नहीं डाल सकते एग्जामिनर के ऊपर, ये कहां से क्वेश्चन आ गया। तो एनी वर्ड विच यू हैव हर्ड ऑफ माइट कम इन एग्जाम्स। एमआरटीपी कमीशन वॉज रिप्लेस बाय सीसीआई, विच इज कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। सो नाउ द अप्रूवल ऑफ सीसीआई is mandatory for the merger of companies, for the acquisition of companies. पहले अगर ये कंपनी किसी के साथ मर्ज करना चाहती है, किसी दूसरी कंपनी को acquire करना चाहती है, amalgamation करना चाहती है, तो एमआरटीपी कमीशन के पास इसका केस जाता था। अब अगर दो कंपनीज मर्ज होना चाहती है, एक कंपनी दूसरे को acquire करना चाहती है, तो उसका केस किसके पास जाता है? CCI, Competition Commission of India. Basic difference क्या है दोनों में? ये liberal है, competition, you see from the name, Competition Act, it now allows competition amongst firms. अब हमारी government ने समझ लिया था कि competition की कमी के कारण ये crisis आए हैं, हमारी economy, हमारा public sector क्यों inefficient हुआ है, क्यों लॉसेस इनकर कर रहा है, क्योंकि उसको कोई कंपटीशन नहीं मिल रहा, उसकी मोनोपोली है। वो कहता है मैं जो मर्जी कस्टमर को दूंगा, जिस मर्जी प्राइस पे दूंगा, ठीक है, जैसी मर्जी मैं सर्विस दूंगा, मेरे पे कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं ही तो एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मेरी तो मोनोपोली है। रेलवे में देख लो किस तरह से रेलवे स्टेशन या ट्रेन गंदी होती है ना, हम नखरे कर ही नहीं सकते, हम कह ही नहीं सकते अरे कल से हम इस ट्रेन में नहीं जाएंगे। ओला में गए, नई सर्विस अच्छी लगी, अगली बार उबेर बुक करा ली,
लेकिन यहाँ पे कह सकते हैं दूसरी ट्रेन में जाएंगे, नहीं, तो इसीलिए वो अपनी मन मर्जी करते थे। तो इसी को रोकने के लिए कॉम्पिटिशन एक्ट, ठीक है, एक्चुअली तो प्राइवेट सेक्टर के लिए है, ये पब्लिक के लिए नहीं, मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया आपको, ठीक है, ओके। नेक्स्ट बेटे, रिफॉर्म्स वर आल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन द स्मॉल स्केल सेक्टर, फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स, फ्रीडम फ्रॉम MRTP एक्ट, देन स्मॉल स्केल सेक्टर को इनकरेज करने के लिए क्या किया गया? स्मॉल स्केल सेक्टर अर्लियर सम इंडस्ट्रीज वर रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर स्मॉल स्केल, 836 जो इंडस्ट्रीज थी 1989 में, ये रिजर्व्ड थी सिर्फ स्मॉल स्केल के लिए। आफ्टर 1991 गवर्नमेंट अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डी रिजर्वेशन। व्हाट डू यू मीन बाय डी रिजर्वेशन? रिजर्वेशन अबॉलिश कर दी, खत्म कर दी, जो 836 इंडस्ट्रीज स्मॉल स्केल के लिए रिजर्व थी। क्या मतलब स्मॉल स्केल के लिए रिजर्व थी? उसको लार्ज स्केल इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकती थी, तो उसको कोई कंपटीशन ही नहीं मिल रहा था। फिर हमने क्यों करके रखी थी? क्योंकि हम तो उसको प्रोटेक्ट करना चाहते थे, हमारे लिए वो छोटी बच्ची थी, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी था। लेकिन क्या प्रोटेक्ट, क्या वो हमेशा छोटा बच्चा ही रहेगा? स्मॉल स्केल सेक्टर ग्रो कर रहा है, इट नीड्स टू बी एक्सपोज टू द कॉम्पिटिशन आर नॉट। सो इट वॉज रियलाइज बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी स्मॉल स्केल सेक्टर वॉज बिकमिंग इनएफिशियंट, दैट्स वाई द पॉलिसी ऑफ डी रिजर्वेशन वॉज अडॉप्टेड इन 1991। नाउ फ्रॉम 836 द नंबर केम डाउन ओनली टू 114। दिस हैपेंड इन 2000, मार्च 2007, ठीक है। देयर आफ्टर ओनली 20 आइटम्स आर देयर, ऑल आइटम्स आर नाउ डी रिजर्व, यानी स्मॉल स्केल सेक्टर के पास सिर्फ 20 का एक्सक्लूसिव राइट है कि जिसको लार्ज स्केल इंडस्ट्री नहीं सेटअप कर सकती, बाकी सारी इंडस्ट्रीज में स्मॉल स्केल भी एंटर कर सकता है। 2015 में ये नंबर जीरो हो गया। नाउ नो सच आइटम इज देयर विच हैज बीन रिजर्व फॉर द स्मॉल स्केल सेक्टर, ठीक है। और क्या रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गवर्नमेंट ने? MSMED एक्ट पास किया, आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है प्लस वन में, कौन सा एक्ट? MSMED एक्ट इन द ईयर 2006 गवर्नमेंट ने माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को अलग अलग वे में डिफाइन किया और बताया कि अगर माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं तो उसके लिए कौन सी प्रिविलेजेस अवेलेबल है, स्मॉल के लिए कौन सी, मीडियम के लिए कौन सी, ठीक है। तो आप चाहो तो इस एक्ट की जो प्रोविजंस है, हाउ टू डिफाइन माइक्रो, किसको कहा जाता है माइक्रो इंडस्ट्री? जिसमें प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 25 लाख तक की हो, मैन्युफैक्चरिंग में जो आती है, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस अलग से डिफाइन की है, सर्विस अलग से। तो जिसमें प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 25 लाख तक की है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में माइक्रो में आती है, जिसमें 25 लाख से ज्यादा और 5 करोड़ से कम है वो स्मॉल एंटरप्राइजेस, जिसमें 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट है वो मीडियम, और स्मॉल में सॉरी सर्विस में क्या है अप टू 10 लाख, माइक्रो 10 लाख टू 2 करोड़, स्मॉल 2 करोड़ टू 5 करोड़, मीडियम, एंड हियर द इन्वेस्टमेंट शुड बी इन इक्विपमेंट्स, नॉट इन यू नो लैंड एंड बिल्डिंग, ओनली इन इक्विपमेंट्स। This was about the industrial sector reforms undertaken under liberalization of the economy. Next, come to the financial sector reforms. Reforms were also introduced in the financial sector. First of all, you should know what are included in the financial sector. So one thing you all are aware of, financial sector includes banks.
चाहे वो कमर्शियल बैंक हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट बैंक हो. फाइनेंशियल सेक्टर इन्वॉल्व्स इंक्लूड्स बैंक्स, ठीक है. इट ऑल्सो इंक्लूड्स स्टॉक एक्सचेंजेस. स्टॉक एक्सचेंज इज द मार्केट वेयर शेयर्स आर बॉट एंड सोल्ड. इट ऑल्सो इंक्लूड्स फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वेयर फॉरेन करेंसीज आर बॉट एंड सोल्ड, ठीक है. सो फाइनेंशियल सेक्टर में कौन से रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए? मेजर रिफॉर्म, चेंज इन द रोल ऑफ आरबीआई. अर्लियर आरबीआई वॉज द रेगुलेटर ऑफ ऑल द बैंक्स. इट वुड रेगुलेट ऑल द कमर्शियल बैंक्स. इट वुड टेल द कमर्शियल बैंक डिपॉजिट्स के ऊपर इतना इंटरेस्ट रेट देना है आपने कस्टमर को, ठीक है. फिक्स डिपॉजिट पे इतना देना है, सेविंग पे इतना देना है, आरडी पे इतना देना है. लोन जब देना है तो इतना इंटरेस्ट चार्ज करना है. एवरीथिंग वॉज बींग रेगुलेटेड बाय आरबीआई. बट नाउ इन 1991 द रोल ऑफ आरबीआई वॉज चेंज फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर. ये बैंक्स को उनकी फंक्शनिंग में फैसिलिटेट करता है, इजियर करता है, उनका काम आसान करता है, उनकी हेल्प करता है, लेकिन उनको ये रेगुलेट नहीं करता. इट फैसिलिटेट्स देयर वर्किंग, मेक्स देयर वर्किंग इजियर, कंड्यूसिव, डज नॉट रेगुलेट देम. सो दैट्स व्हाई टुडे इंटरेस्ट रेट्स आर फिक्स्ड बाय बैंक्स ऑन देयर ओन. यू मेक अ सर्वे, आप आज आप जा नहीं सकते हो, आप गूगल से सर्च करो पीएनबी एफडी वन ईयर इंटरेस्ट रेट, एचडीएफसी एफडी वन ईयर इंटरेस्ट रेट, एसबीआई एफडी वन ईयर इंटरेस्ट रेट. इंटरेस्ट रेट वुड वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक. लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट देखो, वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक, बिकॉज आरबीआई no longer fixes the interest rate. Why not? In this policy, the role of RBI has been changed from regulator to facilitator. ये इसको समझाने के लिए मैं हमेशा बच्चों को यही example देती हूँ कि हमारी generation जो थी और जो हमारे parents थे, they used to regulate us. They had fixed, you know, hours for us के रात को इतने बजे से पहले आपने आना नहीं है, घर से बाहर जाना नहीं है, घर के बाहर रहना नहीं है, ठीक है. अच्छा, आपको ये सब्जेक्ट्स लेने हैं, आपको इस कॉलेज में पढ़ना है, ये डिग्री करनी है, ठीक है. दे वर दी वन हु वुड डिसाइड. कोई हमारा फ्रेंड नहीं अच्छा लगा तो आज के बाद इसके साथ बैठना नहीं है, इसके साथ घूमना नहीं है. यस yes? आज आपके पेरेंट्स ऐसा करते हैं? यू टेल देम वी वॉन्ट टू डू दिस कोर्स, दे मेक योर वे इजी, दे फैसिलिटेट यू. वो कहते हैं बेटे जो मर्जी कर लो, हम हैं आपके सपोर्ट में खड़े हैं, जो हमसे चाहिए वो बताओ. आपको ट्यूशन रखनी है, आपको कोचिंग रखनी है, आपको फीस चाहिए, हम देते हैं. होता है ऐसे या नहीं? दे फैसिलिटेट यू, ठीक है. सो सेम इज द केस ऑफ आरबीआई. आरबीआई's रोल हैज चेंज्ड फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर. वो बैंक्स को नो लॉन्गर कंट्रोलर, इट इज अ फैसिलिटेटर, ठीक है. आगे चले. Then, establishment of private sector banks. 1969 में government ने 14 banks nationalize कर दिए थे. In 1969, 14 banks were nationalized by the government. यानी वो public, government की ownership में आ गए. 1981 में 6 और banks nationalize कर दिए गए. इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर्स वर नॉट अलाउड टू, सॉरी, बैंक्स वर नॉट अलाउड टू ऑपरेट इन प्राइवेट सेक्टर. यही बना मतलब. 1991 में हमने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की एस्टेब्लिशमेंट को परमिशन दे दी. यस, प्राइवेट बैंक्स नाउ कुड एंटर अवर कंट्री. सो इवन फॉरेन बैंक्स वर अलाउड इन इंडिया.
सो इंडियन बैंक्स लाइक आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, दे वर द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, एंड फॉरेन बैंक्स लाइक एचएसबीसी एंड एबीएन एमरो, दे एंटर्ड इंडिया, दे इंक्रीज्ड द कंपटीशन एंड दे बेनिफिटेड कस्टमर्स थ्रू लोअर इंटरेस्ट रेट एंड बेटर सर्विसेज. बैंक कैसे कंपीट करेगा एक दूसरे से? आप सब कमर्शियल बैंक्स हो, आप सब ज्यादा कस्टमर्स फेच करना चाहते हो, क्या स्ट्रेटजी रहेगी? ये इंटरेस्ट लोन पे चार्ज कर रहा है 10%, आप इसके कस्टमर लेना चाहते हो, आप क्या करोगे? आप 8% पे दे दोगे. सो इसका बेनिफिट किसको हुआ? कस्टमर को. कंपटीशन के करके इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए. और दूसरा तरीका क्या है, आप किस तरह से इसका कस्टमर ले सकते हो? और बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करके. ये जो सारे चेंजेस है ना बैंकिंग स्ट्रक्चर में, एटीएम्स का यूज, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, ये सब 1991 के बाद आए हैं. यू नो व्हाट इज कोर बैंकिंग सॉल्यूशन? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या होता है? अर्लियर व्हाट यूज्ड टू हैपन, मेरा अगर अकाउंट है एसबीआई हरबंस नगर ब्रांच में और मुझे पैसों की जरूरत है, मैं सिर्फ वहीं से विदड्रॉ कर सकती थी. अब मैं एसबीआई की किसी भी ब्रांच से विदड्रॉ कर सकती हूँ जाके. दिस इज कोर बैंकिंग सॉल्यूशन इन शॉर्ट. ठीक है. सो ये सारी जो फैसिलिटीज हैं बेटे, नेफ्ट की, आरटीजीएस की, ये एटीएम की, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारी फैसिलिटीज 1991 के बाद आई है. ठीक है. नेक्स्ट बेटे, ओपनिंग अप ऑफ स्टॉक एक्सचेंज फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स. क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट नॉट ओनली इंक्लूड्स बैंक्स, इट इंक्लूड्स स्टॉक एक्सचेंजेस आल्सो. तो स्टॉक एक्सचेंजेस, आप में से किसी ने देखी है स्कैम 1992? सबने देखी है. तो अगर एक बार ही दोबारा जरूर देखिएगा उसको, क्योंकि नाउ यू विल बी एबल टू रिलेट. वो स्टार्टिंग में जब स्टार्ट करते हैं तब यही बताते हैं कि उस टाइम पे इकोनॉमी एक ऐसे दौर से गुजर रही थी कि कुछ समझ नहीं था, क्योंकि रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए थे. तो आपने देखा उसमें फॉरेन बैंक्स इन्वॉल्व थे. Yes. है ना, क्योंकि फॉरेन बैंक्स अभी नए नए आए थे और गवर्नमेंट उनको ऐसे यू नो प्यार से रख रही थी, उनके ऊपर आरबीआई के इतने चेक्स नहीं थे, दैट्स वाई दे वर एबल टू एंगेज इन सच काइंड ऑफ फ्रॉड्स. ठीक है. और दूसरा, उन्होंने पैसों का बैंक्स का कौन सा पैसा यूज किया? एसएलआर पता है आपको, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. ये वो अमाउंट है जो बैंक्स अपने पास रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज. तो उन सिक्योरिटीज, अब वो जो पैसा है बैंक पता क्या करते थे, बैंक ब्रोकर्स को देके उस पर इंटरेस्ट अर्न करना चाहते थे, लोगों को देके या किसी को देके. तो उसमें ब्रोकर इन्वॉल्व हो जाते थे, ब्रोकर को वो पैसे दे देते थे और उसको कहते थे 14 दिन में तो कोई कस्टमर ढूंढ दे इन पैसों के ऊपर इंटरेस्ट के लिए. 14 दिन तक ब्रोकर यूज कर सकता था, कर सकता था. और किसी के दिमाग में नहीं आया इसको यूज करना है? किसके दिमाग में आया? हर्षद मेहता के. ही अर्न्ड मनी. एक्चुअली ही स्टार्टेड डूइंग फ्रॉड आफ्टरवर्ड्स, लेकिन इनिशियली उसने स्मार्ट गेम खेली थी, उसने कोई फ्रॉड नहीं किया था इनिशियली. बट देन द थिंग्स ऑब्वियसली, जब आप मिसअप्रोप्रिएट करते हो या मैनिपुलेट करते हो चीजों को, अकाउंट्स को, तो कुछ ना कुछ फिर गलत होने लगता है, थिंग्स स्टार्ट परपेचुएटिंग. ठीक है. तो कहने का मतलब ये है कि उस टाइम पे फ्रॉड्स होने लगे और तब हमने सेबी को, नेक्स्ट पॉइंट हम यही करेंगे, सेबी को, सेबी वॉज ऑलरेडी देयर बट इट वॉज नॉट ए स्टैचुटरी कॉरपोरेशन. इसको हमने स्टैचुटरी कॉरपोरेशन का स्टेटस दिया था 1992 में, वो फ्रॉड होने के बाद. दिस वॉज अनदर रिफॉर्म एंड अनदर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एस्टेब्लिश हुई थी. ये कहां पे हुआ था हर्षद मेहता वाला स्कैम? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. उसका दूसरा नाम क्या है? ये दूसरा नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, ये तो इनिशियल है. एनीवन? कौन सी स्ट्रीट?
पता है किसी को? दलाल स्ट्रीट, ठीक है। तो आफ्टर स्टॉक एक्सचेंज में क्या रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए? एक तो स्टॉक एक्सचेंज को फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए ओपन अप कर दिया, ये हुआ था सितंबर 1992 में, स्टॉक एक्सचेंज वॉज ओपन फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स इन सितंबर 1992। सो क्या हुआ इसमें, क्या प्रोविजन थी? डू यू नो व्हाट आर एफआईआई? एनीवन? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, लिखते जाया करो बेटे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फॉरेन पता है? इंडिया के बाहर के। इन्वेस्टर पता है? जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शेयर्स खरीदना चाहते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मतलब क्या हुआ? जो इंस्टीट्यूशंस जो इन्वेस्ट करना चाहती है इंडिया, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि पेंशन बॉडी है, कोई म्यूचुअल फंड की बॉडी है, मर्चेंट बैंकर्स हैं, दे कैन, मतलब इंडिविजुअल्स नहीं, आप बोलो मेरे चाचा जी उसने शेयर खरीद लिए, उन्होंने, वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नहीं है। फॉरेन की एक पेंशन फंड कंपनी है एबीसी यूएस लिमिटेड कंपनी, उसने इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीदे, इट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, सो दे वर नाउ अलाउड टू एंटर इनटू इंडियास स्टॉक मार्केट। देन लास्ट इज बेटे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, इसके इंडेक्स को क्या कहते हैं पता है किसी को? निफ्टी, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स। सो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सेटअप हुई 1992 में, और सेबी को एक स्टेचुटरी बॉडी का दिया गया, रिकॉग्निशन दी गई 1992 में ही, ठीक है। तो ये जो दो चेंजेस, दे वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। एक और रिफॉर्म हम कर सकते हैं, बैंक्स की जो CRR है, SLR है, ये रियलाइज किया गया हर्षद मेहता स्कैम के पास के बाद कि बैंक्स को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस में रखा गया है, बैंक्स को अपने फंड्स इस्तेमाल करने की आजादी नहीं है, इसी करके वो फ्रॉड्स हो रहे हैं। बेटे बैंक्स कमर्शियल बैंक्स हैं, उन्होंने प्रॉफिट अर्न करना है, उनको प्रॉफिट अर्न करने ही नहीं दिया जा रहा। तो बैंक एक्स्ट्रा इनकम कैसे अर्न करते थे? अपनी सिक्योरिटीज को ब्रोकर्स को देके, और आगे बेचते नहीं थे, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए उनको देते थे इंटरेस्ट अर्न करने के लिए, आगे फर्दर वो कस्टमर ढूंढते थे उनके लिए, ठीक है। सो इसका मतलब अगर SLR उस टाइम पे थी 38.5%, 40% चलो राउंड ऑफ मैंने कर दी, हाँ, और CRR था 15%, तो मतलब 55% तो बैंक लैंड आउट ही नहीं कर सकता था। अगर बैंक के पास 100 करोड़ रुपए है तो कितना लैंड आउट कर सकता था? 45 करोड़, तो कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रेडिट? नहीं हो पाता था, बैंक्स को प्रॉफिट भी नहीं होता था, इंटरेस्ट रेट भी कौन फिक्स करता था? RBI फिक्स करता था। तो इसीलिए बेसिकली ये चीजें हुई, तो इसीलिए रियलाइज किया गया भाई इसमें कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है। तो क्या किया? जब हमें रियलाइज होगा, आप इसलिए नहीं स्कूल आते हो क्योंकि आपके वर्किंग आवर्स 8 घंटे हैं। जब हमें रियलाइज हुआ कि 8 घंटे हैं इसीलिए आप आते ही नहीं हो, तो आपको बुलाना ज्यादा जरूरी है, हमने 6 आवर्स कर दिए, गॉट इट। तो इसमें क्या रैशनलाइजेशन हमने की बेटे, हम चाहते थे इकोनॉमी में क्रेडिट की अमाउंट बढ़े, तो उसके लिए CRR कम कर दी, SLR कम कर दी, ठीक है। CRR 15% हुआ करती थी, तो आप करंट ही कर लो, करंट CRR कितनी है? 3%। ऑल दी कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप ओनली 3% विद RBI। SLR 38.5% हुआ करती थी और करेंटली इट इज 18%, ठीक है। सो सच काइंड ऑफ रिफॉर्म्स
were introduced in the financial sector. Yahan tak kisi ko koi doubt? Next, third, do tarah ke reforms introduce kiye. Pehla kaun sa kiya? Bolo bete. Industrial sector reforms. Dusra, third is fiscal reforms, also known as tax reforms. Fiscal word relates to income and expenditure of the government. Pata hai? To government ki income kahan se aati? Budget padh liya humne. What are the sources of income of government? Tax and non-tax. Main kaun sa hai? Tax. So tax reforms were introduced. Kya tax reforms introduce kiye bete? Number one, reduction in tax rates. Mere ko koi bole, main 100 rupaye kamati hu, theek hai? To mere ko tax dena padta hai se 10 rupaye. Agle saal maine aur mehnat ki, main 200 rupaye kamati hu. और मेरे को गवर्नमेंट कह रही है 40% टैक्स दो. मैंने इतनी मेहनत से पैसे कमाए, मैं अपने 100 रुपए में से 40 रुपए गवर्नमेंट को दे दूंगी, मेरा मन नहीं करेगा. आप में से भी, आपको भी लगेगा अरे 100 में से 40 गवर्नमेंट को दे दे, नहीं दे पाओगे. व्हाट वुड यू डू देन? यू वुड फाइंड वेज टू इवेड टैक्सेस. आप टैक्स चोरी के रास्ते ढूंढोगे, आप अपने लॉस के लूप होल्स ढूंढोगे. कुछ ऐसा करो कि टैक्स ना देना पड़े, ऐसा ही होगा. दिस वॉज हैपनिंग इन इंडिया. टैक्स रेट्स वर वेरी वेरी हाई, ठीक है. टैक्स सिस्टम वॉज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑल्सो, तो लोग डर के मारे टैक्स देते ही नहीं थे. ओनली 2% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन इनकम टैक्स देती है. इसकी कवरेज बढ़ाने के लिए टैक्स रेट्स को कम कर दिया गया. कॉरपोरेट टैक्स यानी कंपनीज के प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स होता है, दैट वाज 40% इन 94-95. इट वाज रिड्यूस्ड टू 35%. डिफरेंट इयर्स में ये चेंजेस हुए बेटे, देन टू 30% एंड करेंटली इट इज 25% फॉर मीडियम एंटरप्राइजेस. किन के लिए 25%? फॉर मीडियम एंटरप्राइजेस विद एनुअल टर्न ओवर ऑफ अप टू ₹400 करोड़. अगर आप एक मीडियम एंटरप्राइज रन कर रहे हो और आपकी एनुअल टर्न ओवर मीन्स सेल 400 करोड़ से कम है, तो आपके ऊपर कितना टैक्स लगेगा? 25%, अदरवाइज 30%. ओके, रेस्ट वी विल डू टुमारो. बेल हैज गॉन.